हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। यह वीडियो हिंदी में है। यदि आप इंग्लिश में देखना चाहते हो तो नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक को क्लिक कीजिएगा। हर कोई चाहता है अपने बच्चे को नॉलेज देना, बट यदि ये नॉलेज एक्टिविटीज़ और गेम्स के थ्रू हो तो बच्चों को भी बड़ा मज़ा आ जाएगा। वैसे ही एक गेम को लेकर मैं आज आपके साथ आई हूँ, जिसका नाम है ऊनो। ऊनो वैसे तो एक अमेरिकन कार्ड गेम है, बट बड़ी आसानी से हमें कोई भी जनरल स्टोर या गिफ्ट सेंटर में 50 या 60 रुपये में मिल जाएगा। ये कार्ड्स गेम कलरफुल होने के वजह से बच्चों को बड़े अट्रैक्ट करते हैं। में नंबर कार्ड्स है, 4 बेसिक कलर कार्ड्स है, सम एक्शन एंड वाइल्ड कार्ड्स है, जिसके हेल्प से बच्चे हर उम्र के बच्चे कैसे खेल पाएंगे वो हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज सॉर्टिंग बाय कलर। कोई भी बच्चा जब सॉर्टिंग फर्स्ट टाइम सीखता है तो वो सीखता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, हम बच्चों को कुछ कार्ड्स देंगे और उसे ऑन द बेसिस ऑफ कलर उसे सॉर्ट करने के लिए कहेंगे। जैसे कि रेड ऑन रेड, येलो ऑन येलो, ब्लू ऑन ब्लू, ग्रीन ऑन ग्रीन। इस एक्टिविटी का यह बेनिफिट है कि बच्चों को बहुत आसानी से कलर आइडेंटिफाई भी करते आएंगे और उसे सॉर्ट भी करते आएंगे। उसमें उन्हें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो फाइनली उन्हें एक एक कॉलम मिलेगा जो कि एक कलर रेड, येलो, ब्लू और ग्रीन कलर के कार्ड्स का होगा, जिसे देख के उन्हें बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सेकेंड वन है सॉर्टिंग बाय नंबर। जिस तरह से सॉर्टिंग बाय कलर है, ये है सॉर्टिंग बाय नंबर। जैसे कि मैंने कहा है कि ऊनो कार्ड में 0 to 9 नंबर के कार्ड्स हैं, यहाँ पे हमें नंबर सॉर्ट करने हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, मैं 1 by 1 कार्ड निकाल रही हूँ। यदि मेरा कार्ड मैच होता है तो मैं उसी सेम नंबर पर रखूँगी, यदि नहीं होता है तो मैं उसे साइड में निकालूँगी। जैसे कि यहाँ 2 मैच हो गया तो मैं 2 on 2, 4 on 4, 7 on 7, 0 मैच हो गया, 0 on 0, 3 मैच, 3 on 3, 4, यस देयर इज़ 4, 4 on 4, 9 नहीं हो रहा है मैच तो उसे साइड में निकालूंगी, 1 on 1, 9 on 9। इस तरह से मुझे 0 to 9 नंबर्स के कॉलम्स मिलेंगे। इस एक्टिविटी का यह फ़ायदा है कि बच्चों को बड़ी आसानी के साथ में हम एंगेज रख सकते हैं, उन्हें नंबर आइडेंटिफिकेशन बहुत क्लियर होंगे एंड ये उनके लिए बहुत मज़ेदार एक्टिविटी रहेगी। इसके बाद हम आते हैं थर्ड नंबर पे, जो कि है मेक अ सीक्वेंस। अब हम सभी जानते हैं कि ऊनो में नंबर कार्ड्स है 0 to 9। हम यहाँ पे बच्चों को एक कोई भी कलर का कार्ड्स देंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के कार्ड्स लिए हैं और उसी से हमें हमारा सीक्वेंस बनाना है। यहाँ पे हमारा सीक्वेंस बनेगा 0 to 9। फर्स्ट हम लगाएंगे नंबर 0, 0 के बाद आएगा 1, देन 2, फिर हम 3 नंबर को सर्च करेंगे कहाँ पे है, फिर लगाएंगे नंबर 3, 3 के बाद 4, फिर 5, फिर 6, आफ्टर 6 7, आफ्टर 7 8 एंड एट द लास्ट 9। इस तरह से हमें 2 सीक्वेंस मिलेंगी, एक है फॉरवर्ड सीक्वेंस जो कि 0 to 9 रहेगी और बैकवर्ड सीक्वेंस 9 to 0 रहेंगी। विश्वास कीजिएगा, यह एक्टिविटी बच्चों के आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बिफोर नंबर, आफ्टर नंबर, बिटवीन नंबर, इसे बहुत क्लियर रखेगी। द फोर्थ वन इज़ मैचिंग द कलर। ये गेम खेलने के लिए हमें कम से कम 2 प्लेयर की ज़रूरत लगेगी। यदि 2 प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं तो हम अपने कार्ड्स 2 लोगों में बांट लेंगे और 1 by 1 प्ले करेंगे। हमें जो कार्ड डालना है वो बिना देखे डालना है और हमारे कार्ड का कलर पहले वाले कार्ड कलर से मैच होना चाहिए तो हम जीत जाएंगे। तो चलो यहाँ देखते हैं कौन जीतता है। यहाँ पे आया येलो ऑन येलो, यानी जो जिसने सेकंड येलो कार्ड डाला है वो जीत गया है। यहाँ पे राइट साइड का प्लेयर जीत गया है। जो प्लेयर जीतेगा वो दोबारा स्टार्ट करेगा। यहाँ पे ब्लू कलर से जीत हुई है जो कि लेफ्ट साइड के प्लेयर की हुई है। ये फिफ्थ एक्टिविटी है जो कि है कलर और नंबर मैच। ये गेम लास्ट गेम की तरह ही है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हमें कलर के साथ साथ कलर या नंबर या दोनों सब मैच करना है। जिस तरह से देख, यहाँ हमें ज़्यादा अटेंटिव रहना है, जिसके वजह से बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन स्किल बहुत बढ़ेगा। जिस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं कि राइट साइड के प्लेयर ने येलो ऑन येलो डाला है तो उसकी जीत हुई है। जो प्लेयर जीतेगा वो दोबारा स्टार्ट करेगा। यहाँ पे लेफ्ट प्लेयर की जीत हुई है जो कि येलो कलर से है। यहाँ पे दोबारा लेफ्ट प्लेयर की जीत हुई है जो कि येलो कलर से है।
अब देखेंगे हम नंबर से किसकी जीत होगी। गेम बड़ा मज़ेदार हो रहा है। यहाँ पे राइट प्लेयर ने 6-on-6 डाला है, इसी वजह से राइट प्लेयर जीत चुका है। इस तरह से हमें कलर या नंबर मैच करने होंगे। और यदि आपको लगता है कि आपका बच्चा सॉर्टिंग बाय कलर, सॉर्टिंग बाय नंबर, नंबर और कलर मैच करने के कंफर्टेबल लेवल पे आ गया है, तो आप अब इसे जो उनो के जो रियल रूल्स हैं वो आप उसे इंट्रोड्यूस करा सकते हो। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि उनो में नंबर कार्ड्स के अलावा कुछ फंक्शन और वाइल्ड कार्ड्स है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं 1x1 दे रही हूँ। ये कार्ड्स को कहा जाता है रिवर्स कार्ड्स। रिवर्स कार्ड्स, जो कोई रिवर्स कार्ड्स डालता है तो जो आपकी खेलने की जो सीक्वेंस है वो अपोजिट हो जाती है, मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में हो जाती है और वाइस वर्सा। ये है +2 कार्ड्स। ये कार्ड्स जो प्लेयर प्ले करता है उसके बाद के प्लेयर्स को 2 कार्ड्स उठाने होते हैं और उनका टर्न मिस हो जाता है। ये कार्ड्स है स्किप कार्ड्स। ये कार्ड खेलने से जो अगला प्लेयर है उसका टर्न स्किप हो जाता है। ये कार्ड है +4 कार्ड्स। ये कार्ड्स डालने से हम कलर चेंज, जो प्लेयर ये कार्ड डाल रहा है उससे कलर हम चेंज कर सकते हैं और जो अगला प्लेयर है उसे 4 कार्ड्स उठाने होंगे, उसका टर्न मिस हो जाएगा। ये है नॉर्मल वाइल्ड कार्ड, जिससे हम कोई भी कलर कार्ड पे डाल सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से बच्चों से लेके बड़ों तक सभी लोग उनो का बड़ा मज़ा ले सकते हैं। इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलिए, जिससे अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। धन्यवाद।